हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको दही फुल्कियाँ बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये बेसन लिया है जो कि 1.5 कप है। ये वाला 1.5 कप लिया है मैंने। और इसके अलावा इसके अंदर जो मैं डालूंगी पिसी हुई प्याज डालूंगी जो कि 4 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून गार्लिक है। और इसके अलावा ये मैं इसके अंदर वो डालूंगी जो थोड़ा सा मसाला, जिसके अंदर जो है सफ़ेद ज़ीरा साबुत है जो कि 1 टेबल स्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून है, नमक 1 टेबल स्पून है, सोडा हाफ टी स्पून है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं इसमें मिला दूंगी बेसन के अंदर, और इसको पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लूंगी गाढ़ा गाढ़ा। तो मैं ये डाल देती हूँ इसके अंदर। ये सब चीज़ें डाल दिए और अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मैंने जो है बेसन को ये अच्छी तरह से फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसकी फुल्कियाँ तल लूँगी। अच्छा, मैंने दही ली है ये वाली, और इस दही के अंदर जो है मैं कुछ मसाले डालूंगी। और मैं ये दही जो यूज़ कर रही हूँ ये वाली यूज़ कर रही हूँ ग्रीक स्टाइल योगर्ट, और ये इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी तो वो मैं आपको बता दी हूँ। देखिए, मैंने जो हैं ये मसाले लिए हैं जो कि मैं योगर्ट में दही में डालूंगी, जिसमें कि सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, और काली मिर्च 1 टेबल स्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और मैंने चीनी ली है 4 टेबल स्पून जो मैं इस दही में डालूंगी। तो ये मसाले जो हैं मैं इस दही में डाल देती हूँ। साथ में मैं चीनी भी डाल दूंगी। और इन सबको मिक्स कर लूंगी। तो चीनी जो मैंने ली है वो ये वाला जो है चमचा लिया है, खाने के 4। ये देखिए, मैंने ये दही में सब मसाले मिक्स कर लिए हैं, और इसमें क्योंकि मुझे दही ज़्यादा है तो इसमें मुझे चीनी कम लग रही थी, तो इसमें मैंने 2 खाने के चमचे और चीनी के मिलाए हैं। तो ये तैयार है दही, और ये जो है ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं जो हूँ बेसन, अब इसकी बस सिर्फ फुल्कियाँ बनानी हैं जो मैं अभी थोड़ा बना के आपको दिखाऊंगी। देखिए नादरी, ये मैं फुल्कियाँ तल रही हूँ, ये तकरीबन तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें से इसको निकाल के पानी में डालूंगी सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए, मे बी 10 सेकंड्स, और फिर फौरन निकाल लूँगी। देखिए, मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसमें से हल्का सा को करके निकाल लूँगी सबको। इनको फौरन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा देर रखा तो ये बिल्कुल वो हो जाएंगी और टूट जाएंगी। तो इनको फौरन डाल के फौरन निकालना है आपको। ये देखिए, मैंने ये फुल्कियाँ तल के रख ली हैं, और अब मैं इसके अंदर जो हूँ दही डाल दूंगी जो मैंने जिस मसाले वसाला डाला था उसको इसके ऊपर डाल दूंगी। देखिए, मैंने इसके अंदर जो है वो दही डाल दी है, और उसके ऊपर मसाला, चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है,
और मैं आपको ये नहीं बता सकी थी कि दही जो मैंने ली थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी बनाई है, तो मैंने इसके अंदर दही के 2-2.5 डिब्बे लिए हैं मैंने, 500 ग्राम वाले जो मैंने आपको दिखाया थी दही का पैकेट, वो उस साइज़ के जो हैं मैंने 2.5 डिब्बे लिए हैं। तो ये देख लीजिएगा ये और ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत अच्छे हैं, ये तो हर शख्स खा सकता है और बहुत इंजॉय करेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे अगली दफ़ा मुलाकात होगी। सी यू।